subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Study with NCERT में आपका स्वागत है. आज हम लोग क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट. ज्योग्राफी में जियो वर्ड से बना है. ज्योग्राफी जियो का मतलब होता है अर्थ, इसलिए हम लोग ज्योग्राफी में अर्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. तो हम लोग आज इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. मतलब कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं. हम इसे ऐसे डिफिनेशन इसको लिख सकते हैं इन्वायरमेंट का कि एवरी थिंग डैट वी सी अराउंड अस फॉर्म्स अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. ये सिस्टम क्या होता है, इसमें वर्ड आ रहा है सिस्टम. सिस्टम का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो और एक दूसरे से कोरिलेट करें, मदद करें और एक सिस्टम का निर्माण करें. जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब मिलकर के एक दूसरे का सहायता करते हैं और वो एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं. उसी तरीके से इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हम लोग आसपास में देखते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, फल हो, या रोड हो, या आपका घर हो, जो कुछ भी है, वो सभी मिलकर एक दूसरे का मदद करते हैं और सिस्टम का निर्माण करते हैं. इसी सिस्टम को इन्वायरमेंट कहते हैं. इन्वायरमेंट में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक नेचुरल होते हैं या मैनमेड होते हैं. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, एयर, वाटर, सॉयल, पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु. और मैनमेड भी चीज़ें हैं जैसे कि कार और हम लोग जो व्हीकल्स यूज करते हैं, या और भी जैसे कि मकान हो गया, तो ये सब मैनमेड चीज़ें हो गई. इन्वायरमेंट हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, मतलब कि पूरी तरीके से बेसिक चीज़ों का जो कुछ भी ज़रूरत होता है इंसान को, वो इन्वायरमेंट पूरा करने का काम करता है. अब जैसे कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो एयर से आता है जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है. वाटर जो ड्रिंक करते हैं वो भी इन्वायरमेंट से आता है. फूड जो खाते हैं वो भी इन्वायरमेंट से आता है. तो इसलिए इसे बेसिक सपोर्ट सिस्टम कहा गया है. इन्वायरमेंट को बदलने में ह्यूमन का रोल बहुत बड़ा है. देखिए जैसे कि कोई पार्क होता है या कोई फील्ड है, तो उसे वो फील्ड है अभी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है वहाँ, लेकिन वहाँ पे बड़ा बिल्डिंग बनाए तो इंसान ही बनाएगा. तो इंसान जो है बहुत बदलाव करता है इन्वायरमेंट में अपने नीड के अनुसार. तो जैसे कि कार बनाता है, फैक्ट्रीज़ के जरिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये सब इन्वायरमेंट में जो बदलाव लाते हैं वो इंसान बहुत बदलाव लाते हैं. यहाँ पे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है. जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है तो उसे कुछ पार्टों में बांटा गया है. यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि नेचुरल एक तरफ हो गए और फिर मैनमेड हो गए, ह्यूमन मेड, और एक ह्यूमन को अलग ही कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट बहुत है ह्यूमन का, इसलिए. और आप नेचुरल में देख सकते हैं कि वो थिंग्स हैं जो कि लिविंग हो, जीव जंतु, तो लिविंग थिंग्स जैसे कि आप देखिएगा. फिर लैंड, यह भी नेचुरल के द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया गया है. एयर भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, वाटर भी, तो ये सभी नेचुरल थिंग्स हो गए, नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट ये सभी हो गए. फिर आपको ह्यूमन मेड इंसान बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, पार्क्स इंसान बनाता है, ब्रिज बनाता है, रोड्स बनाता है, मोनूमेंट्स बनाता है एंड इंडस्ट्रीज बनाता है. तो ये सभी जो है आपको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हो गए. मोनूमेंट्स मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जैसे कि ताजमहल हो गया जिसे लोग देखने जाएँ, ऐसा बिल्डिंग जिसे लोग देखने जाएँ, घूमने जाएँ, तो उसे मोनूमेंट्स कहा जाता है. यहाँ पे ह्यूमन को कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है. जैसे कि आप इंडिविजुअल ह्यूमन होते हैं तो आप अकेले कोई इंसान हो तो इसे इंडिविजुअल कहा गया है. और फिर फैमिली परिवार हो जाता है, दो चार सदस्य घर के, तो उसे परिवार कहा जाता है. फिर जब दो चार फैमिलीज मिलते हैं तो वो कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, जैसे कि एक गांव होता है. फिर रिलीजन आप देखे होंगे, धार्मिक लोग इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम होते हैं. और फिर एजुकेशन सिस्टम, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं क्लास में तो वो एजुकेशन से. फिर इकोनॉमी में, जैसे कि बाज़ार में लोग मार्केट में जाते हैं तो इसे इकोनॉमी कहा गया है. और स्टेट के आधार पे, ये पॉलिटिकल सिचुएशन के आधार पे, जैसे इंडिया हो गया, तो ये इस तरीके से बांटा गया है. यहाँ पे फेनोमेना वर्ड आया है, इसका मतलब होता है दृश्य. तो जो कि इन्वायरमेंट है अपना, ये ह्यूमन मेड या नेचुरल थिंग्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. या तो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं इन्वायरमेंट में या प्राकृतिक रूप से हैं, तो इसलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन मेड एंड नेचुरल कहा गया है. और इन्वायरमेंट को जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे एक और तरीके से डिवाइड किया जाता है, बायोटिक एंड एबायोटिक में. बायोटिक उसे कहा जाता है
जो लिविंग हो, लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ चीज़ जो कि लिविंग हो, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसे बायोटिक कहा जाता है। बायोटिक में बायो वर्ड छिपा हुआ है, तो बायो का मतलब ही होता है लाइफ, तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर ए बायोटिक किसी भी चीज़ में और लग जाता है ए, तो उसका बायोटिक का उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं, जैसे कि प्रकृति के द्वारा लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब ए बायोटिक में आपके आ जाएंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट का वर्ड ओरिजिन बताया गया है कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो ये इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड से आया था, इन्विरोनर से, तो इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, मतलब कि पड़ोसी, तो जो भी आस पड़ोस में है, तो उसी से ये इन्वायरमेंट वर्ड बना था। अब आइए नेचुरल मेड इन्वायरमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये सभी टर्म्स का डिफिनीशन मैंने क्लास सिक्स के फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो ऊपर आई पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ एंड एक चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो ऊपर आई पे क्लिक करके वो देख लें तो आपको ये कन्फर्म अच्छा तरीके से आ जाएगा। पहले लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अर्थ जो है पूरी तरीके से हार्ड नहीं है, अंदर में तो लिक्विड टाइप से भी है। तो ऊपरी जो लेयर है अर्थ का, जो कि क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट है, वो चैप्टर आप देखिएगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो वो हार्ड लेयर, उसमें आपको रॉक्स मिलते हैं, जैसे कि आप मिट्टी को कोड़ के नीचे जाइएगा तो रॉक्स मिलेंगे। फिर कहीं कहीं से खनिज भी निकलते हैं, मिनरल्स, तो ये मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसी से पेट्रोल डीजल भी निकलता है, आप कोयला मिनरल्स आप सुने होंगे, तो ये सब निकलते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर से जो टॉप लेयर है, उस पर थोड़ा सा पतली सी चादर की तरह सॉयल है, जिसमें हम लोग धान गेहूँ ये सब उगता है, तो सॉयल नहीं होता तो ये सब नहीं उगता। तो इस तरीके से इसकी बनावट है, लिथोस्फीयर में ही ये सब आते हैं। फिर ये लिथोस्फीयर पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, ये पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं लैंडफॉर्म्स है, कहीं ऊँचा है, कहीं नीचा है, जैसे कि कहीं माउंटेंस है, कहीं प्लेट्यूज है, प्लेन्स हैं, तो ये माउंटेन्स प्लेटू प्लेन्स भी आपको उस चैप्टर में मिल जाएंगे। वैलीज मतलब होता है कि निम्न भूमि, जैसे घाटी कहा जाता है कि जैसे पहाड़ है ऊंचा, और दो पहाड़ों के बीच या दो पहाड़ के नीचे जो समतल ज़मीन होता है उसे वैलीज कहा जाता है। फिर आपको कंटिनेंट्स भी और ओशियंस का भी डिफिनेशन वहाँ मिल जाए। और कंटिनेंट्स और ओशियंस में भी ऐसा नहीं है कि प्लेन सतह है, प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, जबकि कुछ तो पहाड़ भी हैं कंटिनेंट्स में भी ही, जो कि पहाड़ की तरह निकले हुए हैं लेकिन वाटर के ऊपर नहीं आते हैं वो लोग, तो अंदर से ही सबमर्ज्ड आपको मिलेंगे पहाड़। अब ज़रा सोचिए, मान लीजिए लिथोस्फीयर नहीं होता तो क्या होता, ना हम लोग धान गेहूँ उगा पाते, ना खा पाते, ना खनिज मिनरल्स हम लोग ले पाते, लोहा और ये सब भी, कॉपर, ये एलुमिनियम, ये सब भी खनिज के ही हैं, तो ये सब भी हम लोग को नहीं मिलता, और बकरियाँ चरती भी नहीं, ग्रास भी नहीं होता, और तो ये सब जो है इस लिथोस्फीयर की वजह से है, इसलिए ये लिथोस्फीयर इम्पोर्टेंट है। और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये भी हम लोग सॉयल पे ही बनाते हैं, मतलब कि ये लिथोस्फीयर पे ही बनाते हैं, तो इसलिए लिथोस्फीयर का इम्पोर्टेंस ये सब है। यहाँ पे वर्ड है डोमेन, डोमेन मतलब होता है क्षेत्र, तो जो पानी वाला क्षेत्र है जितना भी पृथ्वी पे, उसे वाटर हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर आपको सी, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, ये सब आप समझते होंगे। और फिर एटमोस्फीयर है, तो जो एयर का जो इन्वेलप है उसे एटमोस्फीयर कहा जाता है। तो ये आप जब आकाश में ऊपर जाइएगा, तो ऊपर जाते जाते एयर कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वैक्यूम आ जाता है, मतलब कि एयर होता ही नहीं है। तो जो ये एयर है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम लोगों को खींच करके रखे हुए हैं धरती पे, उसी तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स एयर को भी बाइंड करके रखे हुए हैं अपने अंदर में। अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए पृथ्वी के पास से, तो ये एयर ब्लैंकेट जो है ये ख़त्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर, और फिर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए ग्रेविटी का भी इम्पोर्टेंस है, और फिर एटमॉस्फेयर का तो कितना इम्पोर्टेंस है, ऑक्सीजन हमें मिलता है इस एटमॉस्फेयर से, तो ये भी एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट का पार्ट है। और सबसे खास बात कि ये एटमॉस्फेयर हम लोगों को यूवी रेज से बचाता है, तो जो सन से रेज निकलते हैं, कुछ घातक रेज होते हैं जो हम लोग को स्किन कैंसर या स्किन डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, उन रेज को एटमॉस्फेयर में जो ऊपरी सतह होता है, ओजोन लेयर, उसमें रहता है। पढ़िएगा,
तो ओजोन लेयर जो होता है वो क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे धरती पे नहीं आने देता है, जिसके वजह से ये बीमारियां हम लोग को नहीं होती है। यहाँ पे दो टर्म का जिक्र किया गया है, वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आते हैं उसी के वजह से ये इन वेदर एंड क्लाइमेट में बदलाव आते हैं। तो वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हम लोग इसके चैप्टर होंगे वेदर एंड क्लाइमेट, उसमें हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है। वेदर का हिंदी मौसम होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखे होंगे क्लाउडी वेदर हो जाता है, जैसे ऊपर आकर के बादल घेर लेते हैं तो इसे क्लाउडी वेदर कहा जाता है। रेनी वेदर अगर बादल घेर ले उसी समय बारिश होने लगे 2-3 घंटे या 1 घंटे के अंतराल में, तो ये छोटे समय में होता है। फिर हो सकता है कि बादल साफ़ हो जाए और फिर सूरज दिखाई देते, सन्नी वेदर कहा जाता है। फिर जाड़े के मौसम में फॉगी वेदर आप देखे होंगे, फॉग्स आ जाते हैं। तो ये सब वेदर हो गए। और क्लाइमेट होता है कि ये 2-3 महीने तक लास्ट करता है, 2-3 महीने तक रहता है। जैसे कि आप विंटर का क्लाइमेट आता है तो जाड़ा ही रहता है, ठंड ही लगता है कुछ महीनों तक। फिर गर्मी का मौसम आता है, फिर उसी तरीके से बरसात का मौसम आता है। तो ये क्लाइमेट हो गया। ये क्लाइमेट का मतलब एक्चुअली जलवायु होता है। बायोस्फीयर मतलब बायो का मतलब ही होता है लाइफ। तो स्फीयर ऑफ लाइफ मतलब ऐसा जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, तो उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। वैसे इस टर्म में देखें तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर होता है। इन दोनों तीनों के बीच में, जैसे कि आप एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का कुछ पार्ट और लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट को मिला करके बायोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें लाइफ पॉसिबल होता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में आप कुछ हाइट तक जाइएगा वहाँ तक लाइफ पॉसिबल है, उसके बाद आप जाइएगा तो मर जाइएगा। फिर नीचे पृथ्वी में जाइएगा तो 100 मीटर के आसपास जाने पर बैक्टीरिया मिलते हैं, उसके बाद तो मर ही जाते हैं, तो उसके बाद लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया। और वाटर में भी लिविंग क्रिएचर्स मिलते हैं, तो इन तीनों को मिला करके बायोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है। इकोसिस्टम का बहुत बड़ा डिफिनेशन यहाँ दिया गया है। आप छोटे में लिख सकते हैं कि द सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखिए इंटरैक्शन इसमें वर्ड आया हुआ है। इंटरैक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से जैसे कि इंटरैक्ट करना है। अब जैसे कि आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर उस ऑक्सीजन को आप लेते हैं। तो इस तरीके से एक इंटरैक्शन है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। और उसी तरीके से फूड के लिए भी है, तो इसी को इंटरैक्शन कहा जाता है, एक दूसरे से जुड़ा होना, इंटरैक्ट करना। तो ये इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम दो तरीके से हो सकता है, मैनमेड इकोसिस्टम हो सकता है या नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम वो होगा जैसे कि पॉन्ड, एक तालाब देखे होंगे जिसमें बहुत तरीके के मछलियाँ और फिर मेंढक, सांप, ये सब रहते हैं, सभी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कोई खाता है फिर वो उसको खाता है, फिर प्लांट्स भी उसमें रहते हैं जो कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर एनिमल उसे लेते हैं। तो ये इंटरैक्शन है और एक सिस्टम बना रहे हैं वो सभी मिलकर एक पॉन्ड में। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से बड़ा सा रेन फॉरेस्ट जैसे कि एक जंगल है, तो उसमें भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी एक लार्ज रेन फॉरेस्ट को आप इकोसिस्टम बोल सकते हैं। उसी तरीके से डिजर्ट एरिया, मान लीजिए कोई खास एरिया डिजर्ट का, तो वहाँ पे इंटरेक्शन, तो ये बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैनमेड इकोसिस्टम भी होता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं एक्वेरियम कहा जाता है। तो इसमें मछलियों को रखा जाता है, फिर उससे जुड़े जीवों को रखा जाता है ताकि मछली को खाना मिल सके, फिर वो जो सांस छोड़े उसे प्लांट्स भी रखे जाते हैं ताकि प्लांट्स उसे ऑक्सीजन को ले लें। तो इस तरीके से जो है साइंटिस्ट के द्वारा ये सब बनाया जाता है। आप कोई पार्क गए होंगे घूमने तो उसमें एक्वेरियम देखने को मिला होगा, तो उसे मैनमेड एक्वेरियम कहा जाता है, मैनमेड इकोसिस्टम उसे आप कह सकते हैं। 5 जून को पूरे देश में हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का दिन ये मनाया जाता है 5 जून को, याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फिर पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यहाँ पे बार्टर सिस्टम लिखा हुआ है। तो पहले क्या होता था कि मनी नहीं था, पैसा तो था नहीं, तो होता ये था कि भाई अपना सामान तुम दे दो और हम उसके बदले में ये सामान ले लो। जैसे कि एक बकरी हम दे रहे हैं तो तुम उसके बदले में मुझे मेरा कपड़ा सी दो, चाहे कुछ और भी। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम में जो है गुड्स का एक्सचेंज होता था, ठीक है, सामान का एक दूसरे से आदान प्रदान होता था, मनी का यूज़ नहीं होता था। तो बाद में मनी का जब ज़रूरत पड़ा तो ये पैसा लंच हुआ, तो पैसा अब यूज़ होता है। अब आइए ह्यूमन एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट में।
तो ये अपने ज़रूरत के अनुसार ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट में बदलाव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले जो पुराने ह्यूमंस थे उन्हें कुछ खास नहीं आता था, वो इन्वायरमेंट से कोरिलेट करके रहते थे, जो भी मिलता था फल फूल वो सब खाते थे और रहते थे। लेकिन धीमे धीमे हुआ यूँ कि ये लोग सीख गए क्रॉप्स ग्रो करना और एनिमल्स को पालतू बनाने लगे, पालने लगे, फिर उसे खाने लगे। फिर उसी तरीके से व्हील का आविष्कार हो गया और एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने आने में आसानी हो गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। फिर बार्टर सिस्टम आया, एक दूसरे से लोग एक्सचेंज करने लगे, कम्युनिटी में लोग रहने लगे। फिर उसी तरीके से ट्रेड बढ़ गया, क्या हुआ कि लोग अब एक जगह से दूसरे जगह जा कर के कुछ सामान बेचने लगे, जो वहाँ का सामान नहीं होता था उसे खरीद के लाने लगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है कि शॉर्ट समय में बड़ा चेंज हो। तो इंडस्ट्री आने लगी, इंडस्ट्री बनने लगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, तो बहुत तरह से प्रोडक्शन बढ़ गए। फिर ट्रांसपोर्ट में भी सुधार आया, एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया। अब तो इतना आसान हो गया कि एयरवेज भी आ गए, फ्लाइट से लोग जाने लगे जल्द जल्द। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन हुआ, जैसे कि इंफॉर्मेशन आज हम लोग सेकेंड में एक दूसरे जगह बात कर सकते हैं, बल्कि फ़ोटो देख देख के बात कर सकते हैं। तो यह सब मॉडिफिकेशन आए और जितना ही ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा, जितना ही ह्यूमन डेवलप्ड हुआ, उतना ही ये इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचाने लगा, इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करने लगा कहा जाए तो। अब तो यहाँ तक हो चुका है कि वाटर भी पॉल्यूटेड हो रहा है, और दिल्ली के वाटर के बारे में आप सुने होंगे, फिर एयर पोल्यूशन का, और फिर भूकंप भी, अब उसके बाद रेन, कभी कहीं सुखाड़ आ जा रहा है कहीं। तो ये सभी इन्वायरमेंट को जो है ये ह्यूमंस के द्वारा गलत तरीके से यूज किए जाने से हुआ है, जैसे कि प्लांट्स को काट रहा है ह्यूमंस। तो इन सभी को रोकना चाहिए, एक बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट के बीच में, क्योंकि इन्वायरमेंट के बीच में और ह्यूमंस के बीच में ये जो परफेक्ट अगर बैलेंस रहेगा तभी ये साथ साथ जी पाएंगे। अब ये मान लीजिए पेड़ पौधे को काट देंगे तो फिर कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, तो मैंने वहाँ पर डिफाइन कर दिया था, उसे लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, तो आप ऐसे डिफाइन इसको लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इन्वायरमेंट का वो कंपोनेंट जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, तो कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था तीन, ह्यूमन मेड और नेचुरल एंड ह्यूमन, और फिर तीनों के दो तीन एग्जांपल लिख दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर कह रहा है कि गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जांपल आप चार लिख सकते हैं आराम से, मोनूमेंट्स और जो भी है ये सब। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर के बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ हार्ड कवरिंग ऑफ द अर्थ विच कंटेंस माउंटेंस और ये मिनरल्स और ये सॉइल का जो थिन लेयर है, इस सब के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, तो बायोटिक इन्वायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स, तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट्स हैं, तो ये दोनों आप लिख दीजिएगा। फिर लिखते हैं व्हाट इज़ ए बायोस्फीयर, तो ये स्फीयर ऑफ लाइफ है, इसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, लिख दीजिएगा और कुछ। उसके बाद विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो कौन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो एक्वेरियम आपको मैंने बताया था एक्वेरियम के बारे में, तो एक्वेरियम आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो इसमें आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट लैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो रोड जो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ह्यूमंस बनाते हैं इसे। उसके बाद है विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, देखिए थ्रेट टू इन्वायरमेंट को थ्रेट किससे है, तो ये ह्यूमन से ही है, ह्यूमन जितने बढ़ते जा रहे हैं उसे बर्बाद करते जा रहे हैं, अब ह्यूमन से जो है एनिमल्स को मारते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, एयर पोल्यूशन ये सब फैलाते हैं, तो ये पॉपुलेशन जो है ये बहुत बड़ा कारण है ये सब करने के लिए, इसलिए थ्रेट टू इन्वायरमेंट आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन हो जाएगा। फिर ये बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर ये सबसे आपको मिलान करना है। और फिर पूछता है कि मैन मेड
मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, तो इसका रीज़न देना है आपको कारण, तो मैन जो है अपने ज़रूरतों के अनुसार इन्वायरमेंट का मॉडिफाइज करता है, इन्वायरमेंट में बदलाव लाता है, इन्वायरमेंट के चीज़ों को यूज करता है, तो ये सब होता है, ये सब लिख दीजिएगा। फिर लिखता है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हो रहते हैं, तो वो वाला एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ते हैं तो उसे ह्यूमन यूज़ करता है, फिर ह्यूमन या एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो ये एक दूसरे से डिपेंडेंसी हो गई प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख बनाइएगा आप लोग। ये जो मेरे द्वारा हाईलाइट पीडीएफ है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगले चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद।